कि वो सिद्ध पुरुष है और बहुत कुछ भी ऐसे किसी को प्रॉब्लम होती ना तो वो उनको वो सिद्ध पुरुष है सब बता देते हैं ना एवरी संडे। ये क्या बारिश आती है तो भीग जाता होगा ना साहब, दिक्कत नहीं होती है, मजा आता है ऐसे ही रहने में। आपको ऐसा नहीं लगता मेरे में बहुत बड़ा बंगला हो लग रहा है? ये देखो हाय इसको देखो करंट के ऊपर लगा हुआ, देखो इधर में क्या बन रहा है, लिफ्ट लेके आए। ओ माय गॉड देख सकते हो कितना सुंदर मंदिर है ये। ओ माय गॉड ओ माय गॉड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला है। मैं काफ़ी दिनों से उस जगह को एक्सप्लोर करने वाली थी। ये जगह जो है ना वो अहमदाबाद में, मतलब प्रॉपर अहमदाबाद में नहीं है, ये अहमदाबाद से 15 किलोमीटर दूर है, मेन जो सिटी सेंटर है वहाँ से, और गांधीनगर से है ना 3 to 4 किलोमीटर दूर है। तो पहले वहाँ पे चलते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो आंटी को मैं पता नहीं कौन से रास्ते से ले जा रही हूँ, आंटी ये वाला देख के डर गई कि ये क्या है ये रास्ता नहीं है, इधर में कैसे जाते हैं? आंटी देखो पानी में चल के जाना होता है, ये देखो ये रास्ता है हमारा, ये देखो आंटी, आंटी को तो धूप लगने लग गई है बहुत। ये रास्ते से हम जाएंगे, ऐसा लग रहा है ना गाँव का फीलिंग आ रहा है पूरा। ये देखो ये हमारी बिल्डिंग्स है इधर में, और इधर से हम बाहर आए हैं, और ये रास्ते से इधर हम आगे आगे जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं चहर माँ के मंदिर जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे गाइस। ये देखो आंटी कैसे हो, बढ़िया मजा आता है इधर में रहने में? मजा कैसे करते हो ये सब? कैसे करते खाना बनाते? फिर बारिश आती है तो भीग जाता होगा ना साहब? भीगते नहीं हो बहुत ज्यादा बारिश आती है तो भी नहीं। फिर दिक्कत नहीं होती है? नहीं दिक्कत नहीं होती है, मजा आता है ऐसे ही रहने में। आपको ऐसा नहीं लगता मेरे में बहुत बड़ा बंगला हो? नहीं ऐसे ही रहने। अच्छा चलो बाय। आंटी को देखो अभी, आंटी को देखो आगे आगे पीछे पीछे आप है। वो देखो आंटी सामने है हमारा लग रहा है। ये देखो मंदिर, गांव का मंदिर आ गया कोई, सब पूरा मंदिर जैसे बैठे हुए हैं। इधर में है ना ये पूरा रोड बन रहा है, ये जब रोड बन जाएगा ना तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, पूरा एकदम कनेक्ट हो जाएगा उस तरफ से जो व्हाट्सएप वाली रोड है ना वहाँ से। हाय वो देखो उसको देखो, छोटे से बच्चे को कैसे देखते हुए जा रहा है, इसको देखो इधर बहुत सारे कुत्ते हैं। हाँ आई ना, देखो झाड़ देखो आंटी, वो देखो झाड़ देखो कैसे लगा हुआ है ना करंट के ऊपर, वेलकम करने को खड़ा है करंट के ऊपर लगा हुआ। देखो इसको हाथ लगाया तो करंट तो नहीं आएगा, देखो तो यार कैसा है ये झाड़। आंटी बोल रहा हाथ लगा के देख फिर मैं चिपक जाऊंगी। आंटी कैसा रास्ता है, लेकिन मानसून में बहुत मजा आता है ना पूरा देखो। चिकल चिकल हो जाएगा। नहीं नहीं अभी जैसे ये देखो अभी हरियाली हो गई ना, मतलब बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश के बाद में जो पूरा हरियाली हो जाता है ना चारों तरफ तो वो बहुत अच्छा होता है। इधर में क्या बन रहा है, रोड बन रहा है कि क्या बन रहा है? अच्छा ठीक है, रोड नहीं बनेगा क्या इधर में? रोड बनेगा, ये केबल डाल देंगे बाद में पड़ेगा। अच्छा वो देखो गाइस अभी आ रही है हमें असली गांव की फीलिंग। वो देखो मोर को देखो तुम, एक मोर देख रहे हो ना वो सामने से? हाँ बस नाच नहीं रहे हैं मोर, पिल्लू नहीं है वो, देखो देखो बर्ड है ना। हाँ मोर का पिल्लू है? नहीं नहीं मोर तो वो आगे बैठा देखो दो, ये पूरा खेत है इधर में, अभी हम जा रहे हैं इधर आगे। ट्रैक्टर बंद नहीं है आंटी, कुछ काम हो रहा होगा। देखो ये रोड का कुछ लगा हुआ ना, ये लोग कुछ लगा रहे देखो यहाँ पे, ये देखो जा रहा है, देखो वो जा रहा है, पता नहीं क्या लगा हुआ, ये केबल वो बिछा रहा है ना उसका कुछ काम है तो इन्होंने यहाँ पे खड़ा करके रखा हुआ है। मैं क्लॉक्स पहन के आई हूँ जो काफी कम्फर्टेबल है, लेकिन ये रास्ता वो कच्ची वाली रोड से तो गाइस हम लोग आ गए, लिफ्ट लेके आए। वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर एक ऑटो वाले भैया मिले, वो बोले मैं ऐसे ही आपको जो मेन रोड है ना वहाँ तक छोड़ देता हूँ। फिर उन्होंने बिठा लिया, अभी मैं यहाँ पे ना लिफ्ट लेने का ट्राई कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई ऑटो ही नहीं आ रहे यार, देखते हैं थोड़ी देर में कुछ ऑटो वोटो आ जाए तो। आंटी को देखो, आंटी को मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा के लेके आ गई। गर्मी सर गर्मी एंजॉय कर रही, कभी कभी ऐसे दिन भी एंजॉय करने चाहिए आंटी है ना। इस समय एक ऑटो मिल गया और ये ऑटो वाले जो है ना वो हमारी जान पहचान वाले हैं। हाँ ये अंकल मेरे जान पहचान के हैं, ये मिल गए मुझे, ऑटो मिल गया। कहीं समय ऑटो मिल गया,
गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं ये चहर माँ के मंदिर में। चलो अभी चलो आ जाओ। ओ माय गॉड कितना सुंदर मंदिर है यार, ये देखो आप मेरे पीछे। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स गाइस, बहुत सुंदर टेंपल है ये। ओ माय गॉड देख सकते हो कितना सुंदर मंदिर है ये, कितना सुंदर है यार, वाव बहुत सुंदर मंदिर है। चलो अभी हम दर्शन करने जाते हैं अंदर में, बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस ये मंदिर। गॉड ओ माय गॉड खतरनाक मंदिर है यार, क्या वाइब्स आ रही है, बहुत अमेजिंग प्लेस है यार ये, क्या सुंदर मंदिर है यार। अभी हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अंदर। ओ माय गुडनेस व्हाट अ प्लेस यार, देखो आप ऊपर से कार्विंग देखो और ये सब देखो डिजाइन अमेजिंग। ओ माय गुडनेस जैसे हम एंटर किए ना माँ लक्ष्मी का देखो फोटो इधर में। अभी अंदर चलते हैं मंदिर, देखो गाइस मंदिर देखो यहाँ पे क्या मस्त मंदिर है यार, वो देखो नीचे में भी मंदिर है ये माता जी को यहाँ पे। लिटरली गाइस ऐसा मंदिर मैंने नहीं देखा, कितना सुंदर मंदिर है यार। नीचे जाते हैं गाइस, माता जी का मंदिर आ गया सीधा, क्या ही शानदार मंदिर है गाइस देखो माता जी। ये हमारे प्यारे माता जी ऊपर में देखो तुम्हें गाइस, मतलब ऐसा मंदिर तो मैंने कभी देखा ही नहीं, बहुत मस्त मंदिर है यार, बहुत ज़्यादा मस्त। ओ माय गॉड मेरे पीछे देखो आप, ओ माय गुडनेस ये देखो गाइस माता जी बैठा हुआ है और यहाँ पे देखो देख रहे हो गाइस पीछे हमारे माता जी और यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आए हो? आते रहते हो? अडालज में ही रहते हो? नहीं नहीं अहमदाबाद है। अच्छा अहमदाबाद आते रहते हो, इनके बारे में हिस्ट्री पता है आपको? नहीं ऐसे आते रहते हो? हाँ नहीं वो बोले कि इधर के कुल देवी है जो रक्षण देवी है ना बहुत, तो अडालज के लोग उनको बहुत मानते हैं। बहुत सुना है, यूट्यूब में अच्छा बताते हैं। नहीं नहीं बहुत मस्त है ना मंदिर भी, बहुत मस्त है, इतना सुंदर है। हाँ पावरफुल भी है और मंदिर जो एक यूनिक है, ऐसा मंदिर आपने देखा नहीं होगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनाया हो ना पूरा यूनिक है। देखो भैया रोज आते रहते हैं और भैया का अनुभव बहुत अच्छा है, पूरी फैमिली के साथ आते हो आप? पूरी फैमिली के साथ आते रहते हैं और पावरफुल मंदिर है, कोई भी श्रद्धा से आता है तो उनकी श्रद्धा सब पूरी भी अच्छा से। मैंने बहुत सुना भी है कि पूरे रक्षा करती है दलित क्षेत्र की। ये देखो गाइस कितना मस्त मंदिर है ये, ये देखो घंट। यहाँ पे देखो फिर ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप, बिल्कुल ही अलग ही लगता है ना, इतना सुंदर बनाया है इसको और अलग ही लगता है, एकदम महल की तरह लगता है, बहुत मस्त है। वो देखो हमारे भगवान लॉर्ड शिव बैठे हुए हैं, आंटी घंट बजा रहे हैं आंटी को देखो। वो देखो हमारे लॉर्ड शिवा, कितना बड़ा उनका वो वहाँ पे शिवलिंग बना हुआ ऊपर में। अभी हम उधर में देखते हैं अगर इधर से कोई रास्ता है जाने का तो। और ये देखो पीछे में घंट, रुको मैं गाइस, लग रहा है ना एकदम मतलब कोई राजा महाराजा वाली दुनिया में आप यहाँ पे आ गए हो, मस्त है ना। चलो अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ पे तो ये हवन कुंड जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे अंदर में, तो बहुत सुंदर है। वो हमारे आंटी आगे चले गए हैं, अभी हम उधर जाते हैं, रुको एक मिनट उधर चलते हैं। ओ स्वामी विवेकानंद का है ये तो आंटी? लेकिन है ना बना रहे स्वामी विवेकानंद। पहले के घर ऐसे रहते थे ना। वाह मस्त लग रहा है ये हमारे, देखो प्यारे स्वामी विवेकानंद और यहाँ पे ये पूरा घर, काफी सारा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे तो, लेकिन कितना सुंदर लग रहा है ना आंटी ये। ये देखो ऐसा आपका घर हो तो कितना मजा आएगा, देखो आंटी ऊपर में छोटे छोटे रूम जैसे बने हुए हैं ये पूरा बालकनी पहले
उनका जैसा वो करने का इतना ही रूम वूम को भी नहीं इधर बैठो ये सब खुला हाँ लग रहा है। देखो ऊपर में छोटे छोटे रूम बने हुए आंटी, ऊपर में रूम बने हुए हैं मस्त, तो पूरा एकदम महल के जैसे लग रहा है ये तो, लेकिन है बहुत अच्छा ये तो। मस्त लगा यार इधर तो, एकदम महल की तरह लग रहा है ये तो। यहाँ फोटो खिंचवाते हैं ना आंटी? क्या कल बहुत मस्ती आएगी, कल रविवार है, कल रविवार से आपसे बैठक है, बैठक है, देखते कोई दुख हमें परेशान हो, कोई गुरु जी है वो देखते रविवार अच्छा बुआ जी आंटी है वो, और तुम्हारा कूपन लेनी पड़ती है अच्छा 7 बजे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अच्छा वो पूरा बताते हैं, सिद्ध पुरुष है वो, सिद्ध सिद्ध महिला है ना माता जी, अच्छा पुरुष है, ओके हमको आना है तो कितने से आए, तुम्हारे 7 बजे दिखाने हो ना, तो तुम्हारे 7 बजे यहाँ ऊपर लेना, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, एक लूटी है इसमें। अच्छा रहने के लिए भी इधर रहते हैं लोग, सिक्का उठाने का, खाने पीने का मिल जाएगा, खाना पीना भी सब, और उसका कितना लगेगा? पैसा नहीं, फ्री में होता सब। अभी कम अच्छा आया, अभी नेक्स्ट टाइम अगर आना रहेगा तो इसका कोई बात नहीं। संडे को कभी भी आ सकते हो आंटी? हाँ संडे, और ये रविवार को तो वधा पब्लिक है, आवे छे दर्शन तो कर सकते हो, इसमें कूपन निकाल कर कहीं भी चले जाओ, शाम को रविवार को तो कूपन को लेके जाने का है ना, रैली पर कहीं भी जाओ, तुम लोटे में से वो सिक्का लो ना, वो चौपड़े में लिखता है नाम, अच्छा सब लिखता है, तो कभी सुबह के करना पड़ेगा, पीछा नंबर आता है तो फिर बाद में मोड़ा हो तो भी चले, नंबर आवे तो 6 बजे तक यहाँ हाजिर होना पड़ता है, क्या क्या चौपड़े में आज पूरा। अच्छा और ये माता जी की कहानी आपको पता है? हमारे ये माता जी की कहानी पता है? हाँ हाँ इनकी कहानी बताओ ना, इसका पूरा आपको क्या पता है? ऐसा ऐसा मैंने सुना है कि ये अडलज के देवी हैं, कुल देवी, अडलज वाले सारे लोग बहुत मानते हैं, हाँ चामुंडा माता जी का रूप है ना, हमें इतनी मदद क्या दिया दादा भगवान। और मैंने सुना ये बहुत पावरफुल मंदिर है। अच्छा सतीश भाई प्रजापति कहाँ के हैं? सतीश भाई प्रजापति आदोल वाला, आदोल वाले, ओके वो सिद्ध पुरुष है, सब बता देते हैं ना, एवरी संडे इधर में आते हैं चेयर माता के मंदिर, ओके आज सैटरडे है, अंकल आंटी लोग पाटन से आए हैं उनसे मिलने के लिए और ये चेयर माँ के दर्शन करने के लिए, तो अंकल आंटी बोले वो इधर ही रहेंगे, इधर में रहने की भी व्यवस्था की हुई है। तो गाइस अंकल आंटी लोग पाटन से आए हुए हैं मंदिर देखने के लिए, अंकल का बहुत अच्छा अनुभव है, आप आते रहते हो ना अंकल यहाँ पे, अंकल तो इधर आते रहते हैं, और वो सतीश भाई के बारे में भी अंकल ने बताया है कि वो सिद्ध पुरुष है और बहुत कुछ भी ऐसे किसी को प्रॉब्लम होती ना तो वो उनको शेयर करते हैं तो वो सॉल्यूशन देते हैं और बहुत पावरफुल है ऐसा अंकल ने बताया। अंकल आपका भी अनुभव अच्छा है ना उनके साथ में, और मंदिर तो बहुत अच्छा ही है गाइस, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप अहमदाबाद या फिर गांधीनगर में रहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो, गांधीनगर से ये जो सरगसन है ना वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो अपना डलज का जो हाईवे है ना, डलज का जो हाईवे है डलज श्री मंदिर से थोड़ा सा ही नजदीक है, 2 किलोमीटर की दूरी पे है बस। आंटी को मैं स्टोर ऑफ हैप्पीनेस लेके आ गई हूँ, आंटी अभी जा रही अंदर, धीरे धीरे चलना आंटी, धीरे धीरे, आंटी को स्टोर ऑफ हैप्पीनेस में लेके आ गई आंटी आगे में पढ़ना, हाँ आगे में पढ़ना, वो देखो बीच में से पत्थर आया तो आप वापस तो नहीं गए, ये पत्थर ही है ना हमारा, तो अब हम नीचे से ऐसे घुस के चले जाएंगे इसमें से, स्टोर ऑफ हैप्पीनेस में ये देखो इधर में आंटी